हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम अपने इस चैनल जीडीसी ट्यूटर पे करा रहे हैं, जो कि अदर आपको जितने भी वीडियोस देखने होंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जिट एग्जाम की, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। उसी कड़ी में जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स को हमने बताया था टोटल 10 पार्ट में, इसके सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, एक पार्ट में 20 क्वेश्चन, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो ये वाला पार्ट नंबर 3 का वीडियो होगा, बाकी जो पहला दूसरा पार्ट है प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं डी फार्मेसी के एग्जिट एग्जाम में सिलेबस क्या आने वाला है, तो ये आपका सिलेबस है सूटिक्स है, कोलोजी है, और आपका कोग्नोसी है, केमिस्ट्री है, लॉ एंड एथिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल और डीएसबीएम सोशल फार्मेसी या थेरेपेटिक्स या कम्युनिटी में से कोई एक सब्जेक्ट यहां पे आने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू प्लेलिस्ट से मिलेगा, इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो भी प्रैक्टिस हो वो प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपका एग्जिट एग्जाम एक बार यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सके। अगर आप जीडीसी के साथ जुड़े रहोगे तो जरूर निकलेगा। बाकी और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, वो आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं डियर, आज का जो हमारा यहाँ पे 20 एमसीक्यू होने वाला है, उसमें आज का पहला एमसीक्यू यहाँ पे क्या पूछे हो रहा है, पूछा गया है द आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज, जी हाँ, पैकेजिंग यानी प्रोडक्ट को पैकेज करने का जो मटेरियल वगैरह होता है, तो पैकेजिंग मटेरियल का या पैकेजिंग की आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या होनी चाहिए, कि भैया जो पैकेजिंग मटेरियल होगा वो टॉक्सिक होना चाहिए क्या, नहीं, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए क्या, बिल्कुल, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड होगा तभी, ये ऑप्शन सही लग रहा है। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं कि रिएक्टिव होना चाहिए क्या प्रोडक्ट के साथ, भैया पैकेजिंग मटेरियल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन कॉज करना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो भैया प्रोडक्ट को अगर खराब कर देगा पैकेजिंग मटेरियल तो फायदा ही क्या, तो आइडियल रिक्वायरमेंट यही होना चाहिए। अगर यहाँ नॉन टॉक्सिक होता तो सही होता, फिर नॉन रिएक्टिव होता या प्रोडक्ट को डिग्रेडेशन कॉज नहीं करता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा है, तो एफडीए अप्रूव्ड मेन रिक्वायरमेंट या आइडियल रिक्वायरमेंट होगी पैकेजिंग मटेरियल की, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो बी वाला राइट हो जाएगा। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात कर ले डियर, कि भैया आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पैकेजिंग मटेरियल की क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट को प्रिपरेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ नॉट भी रिएक्टिव होना चाहिए, जी हाँ, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट का टेस्ट ऑर्डर चेंज ना करे या अपना टेस्ट ऑर्डर प्रोडक्ट में ना ला पाए, ये सारी उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, पैकेजिंग मटेरियल की। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइजेस द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एवरी ईयर, जी हाँ, हर साल जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस है ना ऑर्गेनाइज होता है, वो किस संस्था, किस बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, जिसे हम इपका बोलते हैं, इसके द्वारा, या इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा, या इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के द्वारा, तो सिंपली जो हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है वो इपका के द्वारा, जी हाँ, किसके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हो इपका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर है ऑप्शन बी, कि भैया इपका यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, जो कि एक फेडरेशन होता है 5 प्रोफेशनल बॉडीज का, अब वो 5 प्रोफेशनल बॉडीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देख लो, पहली बॉडी है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA, दूसरी बॉडी है IPGA जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन, तीसरी बॉडी है IHPA जिसे हम बोलते हैं इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, चौथी बॉडी है APTI मतलब एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर ऑफ इंडिया, तो ये 5 बॉडी का एक फेडरेशन होता है इपका, जो कि हर साल इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस को यहाँ पे कंडक्ट कराता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, जी हाँ, थर्ड एडिशन की बात हो रही है, तो सिंपली फर्स्ट एडिशन कब आया था, फर्स्ट एडिशन 1955, सेकेंड आया था 1966 में, और थर्ड की बात की जाए 1985 में। चलिए ऑप्शन में देखिए क्या है, 66 तो सेकेंड हो गया, 22 55 तो फर्स्ट हो गया, 22 तो लेटेस्ट हो गया, अब सेकेंड यानी थर्ड की बात हो रही तो 1985 में, और किसके चेयरमैनशिप में, डॉक्टर नित्यानंद जी के, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इस टेबल को याद कर लो, इस टेबल से यहाँ पे क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। जी हाँ, कि भैया यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कोपियल की लिस्ट प्रिपेयर हो रही थी 1946 में, फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि भैया इंडियन फार्माकोपिया का कैसे पब्लिश करना 1944 में, और किसके चेयरमैनशिप के अंदर, फिर यहाँ पे
आईपी पब्लिश होना स्टार्ट हुआ 55 में, 66 में, 85 में, 96, 10 में, फिर 14 में, फिर 18 में, फिर 22 में, ऐसे कर करके ढेर सारे एडिशन आप लोग याद कर लेना, और चेयरमैनशिप के क्वेश्चन को भी यहाँ पे याद कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है इनग्रीडियंट यूज फॉर द इनहांस द एलिगेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जी हाँ, जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है या जो भी प्रोडक्ट है उनकी एलिगेंसी को, उनके एलिगेंसी मतलब उनके कह लो टेक्सचर को निखारने के लिए, उनके अपीयरेंस को निखारने के लिए, उनके टेस्ट वगैरह को निखारने के लिए क्या चीज ऐड की जाती है, उसे हम एडिटिव बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल एड बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो भैया एलिगेंसी यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की एलिगेंसी को इंप्रूव करना है, तो जो चीज हम डालते हैं इंग्रेडिएंट को उसे हम फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं। क्या बोलेंगे डियर? फार्मास्यूटिकल एड। यहाँ पे अलग अलग टर्म दे सकते हो। फार्मास्यूटिकल एड क्या है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की एलिगेंसी को इनहांस करने का काम करता है। एडिटिव और इंग्रेडिएंट के बारे में भी आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एज रनर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जी हाँ, एज रनर जो मिल होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा भैया? क्रशिंग एंड एट्रिशन। यहाँ पे रगड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्रशिंग तो हो रहा है लेकिन रगड़ नहीं हो रहा है। क्रशिंग एंड सीरिंग फोर्स या क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कटिंग एंड एट्रिशन। तो भैया एज रनर मिल, एंड रनर मिल, ये दोनों मिल हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करेंगे? क्रशिंग पे और सीयरिंग फोर्स पे। जी हाँ, आप मिल पढ़ते हो तो मिल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, उसको देख लेना, और ये टेबल सब लोग नोट डाउन कर लो। अलग अलग यहाँ पे मिल दिया है, अलग अलग उसका मैकेनिज्म दिया है, ठीक है? कौन कौन सा मिल है, कौन कौन सा मैकेनिज्म, किस सेक्शन से तोड़ता है, साइज घटाता है, किस साइज रेंज को घटाएगा, किसके लिए यूज किया जाता है और किसके लिए यूज नहीं किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखें। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट सेपरेट्स इनटू हॉरिजेंटल लेयर इज कॉल्ड। जी हाँ, खासकर जो टैबलेट वगैरह होते हैं वो हॉरिजेंटल लेयर में अगर सेपरेट हो जा रहे हैं, डिफेक्ट है ना वो, तो उसे कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? कैपिंग बोलेंगे, पिकिंग बोलेंगे, लैमिनेशन बोलेंगे या स्टिकिंग बोलेंगे? तो भैया अगर हॉरिजेंटल लेयर में वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लैमिनेशन। ध्यान देना, क्या बोलेंगे डियर? लैमिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा सेपरेशन होता है प्रोडक्ट का जब यहाँ पे हॉरिजेंटल लेयर में सेपरेट होता है ना, दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट लेयर में। किस कारण से हो सकता है? कि भैया एयर हमारा ट्रैप हो जाता है, इसीलिए वो हमारा सेपरेट होने लगता है। रेमेडीज की बात कर ले तो यहाँ पे प्री कंप्रेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, है ना, क्या क्या डाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे डिफेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप लोग करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है डियर? अगला क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट इज यूज फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। हाँ जी, जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो कौन सा ट्रीटमेंट हम करेंगे? हीट ट्रीटमेंट, फॉर्मलिन ट्रीटमेंट, अल्कोहल ट्रीटमेंट अथवा वाटर का ट्रीटमेंट? तो सिंपली इसका राइट आंसर होने वाला है फॉर्मलिन ट्रीटमेंट। जी हाँ, फॉर्मलिन ट्रीटमेंट। जिलेटिन की जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन को मॉडिफाई करता है कौन सा ट्रीटमेंट? फॉर्मलिन ट्रीटमेंट। यानी कि क्या इसका स्टेप है, इस स्लाइड से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेस। जी हाँ, हमने बताया था ना, एक ओलिजीनियस बेस होता है सपोजिटरी में, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक इमल्सिफाइंग बेस होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक बेस की बात पूछी जा रही है। देखो, हाइड्रोजिनेटेड आयल ये भी आपका ओलिजीनियस है, इमल्सिफाइड कोकोआ बटर ओलिजीनियस है, आधा दीपक तो नहीं होगा, लेकिन ग्लिसरो जिलेटिन जो बेस है ना, ये हाइड्रोफिलिक बेस के अंतर्गत आएगा। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, ग्लिसरॉल जिलेटिन बेस यहाँ पे हाइड्रोफिलिक के अंतर्गत आएगा, जबकि ओलिजीनियस कोका बटर, इमल्सिफाइड कोका बटर, हाइड्रोजिनेटेड आयल, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक में एग्जांपल और इमल्सिफाइंग से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ग्रीन बोन्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ विच टाइप। जी हाँ, अलग अलग जिलेटिन का टाइप ए पढ़ा है हमने, टाइप बी पढ़ा है, टाइप सी, ये सब पढ़ा है ना। तो आपका जो ग्रीन बोन हमारा यूज किया जाता है किस प्रकार के टाइप के जिलेटिन को बनाने के लिए, ए बी सी या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे बी होगा। देखो, ग्रीन बोन से टाइप बी वाला जिलेटिन बनता है और पॉर्क स्किन से टाइप ए का बनता है, उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन कैसे किया जाता है इसको देख सकते हो, और यहाँ पे टाइप की बात की जाए, टाइप ए हमारा पॉर्क स्किन से जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 होगा, और टाइप भी आपका ग्रीन बोन से, यहाँ पे वही तो पूछा गया था, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये सारी चीजें हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, कैप्सूल, सारा क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो। फिर चलते हैं, पेसरीज आर मेंट फॉर, पेसरीज होती है ना जो सपोजिटरी होती है, कहाँ पे इंट्रोडक्शन या कहाँ पे इंसर्शन करते हैं? वेजाइना में इंसर्शन करते हैं, रेक्टम में इंसर्शन करते हैं, नेजल कैविटी में या ईयर में? तो यहाँ पे सिंपली जो पेसरीज होती है ना,
वो वेजाइनल इंसर्शन के लिए बनाई जाती है, उसको हम पेसरीज बोलते हैं, जो कि औरतों के अंदर वेजाइना में जब इंसर्ट किया जाता है, जब वेजाइनल में इंफेक्शन हो जाता है या कोई अदर इशू रहता है, तो वो पेसरीज यानी कि जो सपोजिटरी होता है ना, वहां पे इंसर्ट किया जाएगा और वेजाइना में जाके वो घुल जाएगा और अपना असर दिखाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एब्रेसिव एजेंट यूज इन डेंटिफ्राइज आर, डेंटिफ्राइज में या हमारे जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट है उसमें जो एब्रेसिव एजेंट यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कौन से होते हैं एब्रेसिव एजेंट? सिंपली यहां पे देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट, कैल्सोडियम मेटाफॉस्फेट या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये सब के सब एब्रेसिव एजेंट के एग्जांपल है ना, डेंटिफ्राइजेस में यूज होते हैं, चाहे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम मेटाफॉस्फेट हो, चाहे जिरकोनियम सिलिकेट हो, कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट हो, ये सब के सब हमारे एब्रेसिव के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है, फॉर आईवी इन्फ्यूजन बॉटल प्रिपरेशन प्लास्टिक मटेरियल विद पॉलीमर इज यूज्ड। जी हाँ, जो आईवी इन्फ्यूजन का जो बॉटल है ना, वाटर मटेरियल, वो पॉलीमर के साथ कौन सा प्लास्टिक मटेरियल वहां पे यूज किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड को, पॉलीएथाइलीन को, नाइलॉन को या लो डेंसिटी पॉलीएथाइलीन को? तो भैया आईवी इन्फ्यूजन बॉटल प्रिपरेशन में जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होगा कौन सा होगा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर है? देख सकते हो कौन सा टाइप मटेरियल, पॉलीप्रोपाइलिन हमारा यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, पॉलीएथाइलीन ऑप्थैल्मिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक रिंग में यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड आईवी सॉल्यूशन के बैग में, नाइलॉन सिल्क आईवी कैथेटर के बैग में यूज किया जाता है। क्लियर है? इससे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड, जी हाँ, किसी पैथोजन को वीक करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? वैक्सीनेशन, एटीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वर्लुएंस। भैया पिछले हमने क्लास में यही तो बताया था, एटीन्यूएटेड वैक्सीन या वीकेंड वैक्सीन, जो लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन जर्म्स को लेकर के बनाई जाती है, तो सिंपली वहां पे एटीन्यूएशन कहलाएगा, यानी कि जो कि वीकेंड या एटीन्यूएटेड फॉर्म लेता है जर्म का, जिसने डिजीज कॉज किया गया उसी के द्वारा तो वैक्सीन बनाते हैं ना, तो वो हमारा एटीन्यूएशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एक्सेप्ट। यहां पे लिपोसोम का क्लासिफिकेशन अलग अलग फॉर्म से होता है, वहां यहां पे एक एक्सेप्शन दिया है, उसी को आपको चूज करना है। देखो ओलिगोलेमुलर वेसिकल, ये भी क्लासिफिकेशन है, स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल, ये भी क्लासिफिकेशन है, मल्टी वेस्कुलर वेसिकल एमवीवी, ये भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन स्टेबल प्लूरीलेमुलर वेसिकल ये एक्सेप्शन है, ये क्लासिफिकेशन नहीं होगा लिपोसोम का। तो यहां पे आप एक्सेप्शन पूछा था, बाकी आपका मल्टीलेमुलर लार्ज वेसिकल हुआ, ओलिगोलेमुलर वेसिकल हुआ, स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल हुआ, लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल हुआ, मल्टी वेस्कुलर वेस्कल हुआ, ये सब के सब हमारे लिपोसोम के क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर पे वो बेस्ड होते हैं। अगला है, रेस्पिमेट सॉफ्ट मिस्ट फॉर्मुलेशन इज एग्जांपल ऑफ। देखो रेस्पिमेट एक तरह से नाम हो गया, सॉफ्ट मिस्ट, मिस्ट का मतलब जो छोटे छोटे वाटर के फॉर्म होते हैं ना, ड्रॉपलेट होते हैं, वो किस चीज का एग्जाम्पल? भैया रेस्पिमेट सॉफ्ट मिस्ट फॉर्मुलेशन एग्जाम्पल है किसका? इंट्रा यूटराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। सॉफ्ट मिस्ट याद करो कहां पे आप होता है, जब इनहेलर लेते हो ना तभी। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल होगा, या ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, अथवा नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो भैया नेजो पल्मोनरी मतलब ड्रॉपलेट वहां पे जाती है ना, इनहेलर याद करो ना, रेस्पिमेट सॉफ्ट मिस्ट फॉर्मुलेशन क्या है? एक तरह से इनहेलर का फॉर्म होता है। तो ये इनहेलर कहां पे हम डालते हो? इनहेलर आप यूटराइन यूटरस में तो डालते नहीं हो, और हमारा पेट वाला में तो होता नहीं है, ट्रांसडर्मल होता नहीं है, कहां होता है? पल्मोनरी, नेजो पल्मोनरी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्पिमेट सॉफ्ट मिस्ट जो इनहेलर होगा वो नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है, उसी का एग्जांपल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है, द स्कैटर डायग्राम टूल यूज इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर। जी हाँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो स्कैटर डायग्राम टूल होता है ना, वो किस लिए यूज किया जाता है? डेटा को गैदरिंग करने के लिए, या प्रॉब्लम को एनालाइज और आइडेंटिफाई करने के लिए, या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए, या एक एलिमेंट में यानी हर एलिमेंट के बीच डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस को स्टेबल करने के लिए? तो भैया जो स्कैटर डायग्राम होता है ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के दौरान, तो वो करता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कॉज करता है, बनाता है ना, कि दो अलग अलग वेरिएशन है किस कारण से उनका, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन गैदरिंग ऑफ डाटा करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स की बात की जाए तो कौन हमारा डिटेल स्टेप ऑफ प्रोसेस को बताता है, कौन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, कंट्रोल चार्ट क्या करता है, हिस्टोग्राम क्या करता है, इस टेबल से आप लोग याद कर सकते हो। फिर चलिए यहाँ पे पूछा है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग।
यानी आईएसओ की कौन सी फैमिली, कौन सा मॉडल प्रोडक्शन की क्वालिटी सिस्टम को अश्योर करेगा, इंस्टॉलेशन को और सर्विसिंग को। तो यहाँ पे अलग अलग कौन सी फैमिली होगी, आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, 9002 या 9003। तो भैया किसकी क्वालिटी अश्योरेंस प्रोडक्शन को यहाँ पे वो करता है, इंस्टॉलेशन को और सर्विसिंग को, तो वो फैमिली होती है आईएसओ 9002। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फैमिली। ISO 9002 क्या करती है, क्वालिटी सिस्टम मॉडल होता है किसके लिए, फॉर क्वालिटी अश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। उसी तरीके से ISO 9000, 9001, 9003, 9004 अलग अलग यहाँ पे फंक्शन उसके देख सकते हो, क्लियर है। अगला है क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यूज नोन। जी हाँ, जो भी आपका ट्रू वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू है, उससे अगर एकदम क्लोजनेस है, एकदम उसके बराबर है, तो उस टर्म को एक्यूरेसी बोलोगे, डेविएशन, प्रिसीजन या बायस। तो भैया एकदम अगर ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू को एकदम क्लोज है या एकदम उस पे है, तो एकदम बराबर है, तो एक्यूरेसी ही तो बोलोगे। प्रिसीजन कब होगा, जब उसके आसपास हो, उसके आसपास हो, एकदम क्लोज ना हो, आसपास हो, तो वो प्रिसाइज वैल्यू। जैसे मान लो 100 वैल्यू हमें चाहिए और कोई चीज 100 वैल्यू आ रही है रीडिंग, तो क्लोजनेस है या यहाँ पे एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन क्या बोला जाएगा, 100 वैल्यू है आ गया 95, 106, 93, तो ये हमारा प्रिसीजन हो गया। तो एक्यूरेसी यहाँ पे हो जाएगी कि भैया रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक है। प्रिसीजन मतलब यहाँ पे आपका वेरी क्लोज होता है एक दूसरे से, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अगला है वेजिटेबल कैप्सूल सेल आर मेड बाई यूजिंग जिलेटिन, सिलेक्ट, HPMC या नन ऑफ द अबव। तो ये यहाँ पे एक वेजिटेरियन जिलेटिन होता है ना, जिलेटिन सेल तो वैसे नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन वेजिटेरियन अगर जिलेटिन सेल का कैप्सूल बनाना है तो हम किससे बनाते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोपिल मेथिल सेलुलोज। जी हाँ, किससे, HPMC यहाँ पे राइट होगा। कैप्सूल देख सकते हो, एक हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन होता है, वेजिटेबल में आपका HPMC और पूली लैंड कैप्सूल बनाया जाता है, जो कि मेनली मोस्टली हाइड्रोक्सीप्रोपिल मेथिल सेलुलोज HPMC के द्वारा बनाया जाता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है लास्ट आज का, इन पॉडबिनियक एक्सट्रैक्टर एजिटेशन और मिक्सिंग इज एडेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, एक पॉडबिनियक एक्सट्रैक्टर मशीन है जिसमें एजिटेशन या मिक्सिंग किस फोर्स के द्वारा या किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, मिक्सिंग बबल्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, पैकिंग मटेरियल या स्टिरर। तो भैया वहाँ पे पॉडबिनियक एक्सट्रैक्टर में जो मिक्सिंग हो रही ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन या कह लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा हो रही है। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, क्लियर है, पढ़ोगे तो। So, ये थे टोटल 20 MCQ जो कि फार्मास्यूटिक्स के पार्ट नंबर 3 से थे। आपका जो एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, उम्मीद होगी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से सारे सब्जेक्ट का आपको MCQ प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और आने वाले पार्ट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद होगी आज की क्लास समझ में आई होगी, एक बार जरूर रिविजन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।